अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ लेटेस्ट टेक न्यूज ऑफ tech.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। सो बेसिकली आज भी बहुत तबाही टेक न्यूज है और आज हम तकरीबन पूरे हफ्ते से टेक न्यूज दे रहे हैं। आज इस हफ्ते की लास्ट टेक न्यूज है, फिर मंडे से हम दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जिंदगी में पहली मरतबा लगातार 5-6 टेक न्यूज एक साथ दी हैं, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन तो बनती ही बनती है। खैर, रियलमी GT मास्टर एडिशन लॉन्च हो गया भाई, 67,000 का लॉन्च हुआ है। पहली तो बात, प्राइस बहुत ज्यादा अच्छी रखी गई है। 67,000 में Qualcomm Snapdragon 778G, 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, रियली क्रेजी। और उसके बाद असल क्रेजीनेस तब आती है जब आप देखते हैं कि भाई दराज की जो 11/11 सेल आने वाली है उसमें आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा तकरीबन 64,000 रुपीज का। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 64,000 में तो ये सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आप में से कोई परचेज करना चाहता है तो डेफिनेटली वो इसे आंखें बंद करके मेरी रिकमेंडेशन पर परचेज कर सकता है। बाकी दोस्तों, आज Samsung Galaxy S22 Ultra की लाइव इमेजेस लीक हो गई, बल्कि उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई कॉन्फिडेंशियल है, मतलब किसी को बताना ही नहीं है कि भाई इस तरह की लुक्स देखने को मिलती है, लीक्स वगैरह करना अलाउ नहीं है। लेकिन लीक्सर्स आपको पता है लीक कर देते हैं, और लुक्स अगर देखेंगे तो अच्छी है। लेकिन एक चीज मुझे अजीब सी लगी कि जो हमारे पास S22 Ultra है उसका डिजाइन जो है ना, वो काफी हद तक हमारे पास जो Samsung Galaxy A32 है उस जैसा लग रहा है। लेकिन ठीक है, प्रीमियम फीलिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ S Pen का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, सेंटर अलाइट पंच होल है। अभी फर्स्ट लुक खुल के सामने आ चुकी है, इसका मतलब बहुत जल्दी ये जो Samsung की S22 सीरीज है वो आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मतलब लाइक कर दें, काफी ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के लाइक्स देखकर। और हां, ये जो न्यूज है ना, ये सुन के काफी ज्यादा आपको खुशी होने वाली है। पहली तो GT वाली न्यूज सुन ली, अब ये सुनो, Realme बहुत जल्द अपना एक अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन लॉन्च करने वाला है। इनका अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन आ रहा है। Realme ने रिसेंटली एक पेटेंट फाइल किया है जिसके अकॉर्डिंग ये चीज खुल के सामने आई है कि Realme अपना एक अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इससे पहले अगर हम देखें, एक दो महीने पहले जो Realme के वाइस प्रेसिडेंट हैं चाइना में, उन्होंने चाइना की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज कही थी कि भाई हम एक स्मार्टफोन लाने वाले हैं जिसमें ना आपको नॉच देखने को मिलेगी ना पंच होल आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब तो डेफिनेटली यही होने वाला है कि आपको जो हमारे पास पॉपअप कैमरा है वो तो देखने को मिलेगा ही नहीं, तो इन डिस्प्ले कैमरा जो है ना वो आपको देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी रियलमी का कौन सा फोन होने वाला है, वो मे भी हो सकता है रियलमी 9 सीरीज हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यस, अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला फोन बहुत जल्द आ रहा है। और दिसंबर में चाइना में ओप्पो रेनो 7 सीरीज लॉन्च हो रही है, मतलब 2021 दिसंबर की बात करूं यानी नेक्स्ट मंथ हमारे पास जो चाइना है उसमें रेनो 7 सीरीज लॉन्च हो रही है। इस मरतबा कहा जा रहा है कि जो पूरी रेनो 7 सीरीज होगी उसमें आपको अपर वेरिएंट्स में भी कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है। और पाकिस्तान की बात करें तो 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें आपको रेनो 7 सीरीज मिलने वाली है। लेकिन क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी ये तो अभी सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। और आज GTA ट्रायोलॉजी लीक हो चुकी है, बल्कि लीक नहीं हुई, रॉकस्टार गेम्स वालों ने यहां पे ऑफिशियली खुद ही लीक कर दी है, मतलब उसकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं वो यहां पे रिवील कर दी है। रॉकस्टार गेम्स का नहीं पता तो वो बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं कंपनी है जो कि GTA को बनाती है, उनके तमाम वर्जंस बनाती है। सो GTA ट्रायोलॉजी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है विद एनहांस्ड ग्राफिक्स एंड अदर थिंग, लेकिन यहां पे आप इसके स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, कुछ इस तरह की यहां पे आपको GTA ट्रायोलॉजी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 11 जो है ना वो लिस्ट हो गया है दराज पर विद अ प्राइस ऑफ 99,999 यानी 1,00,000 रुपए का इन्फिनिक्स नोट 11 आपको देखने को मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो प्राइस होती है ये फेक प्राइस होती है, सिर्फ लिस्ट करने के लिए प्राइस कंपलसरी होती है तो वो लिख देते हैं। प्राइस बहुत जल्दी हो जाएगी, आई होप सो अंडर 30,000 ही लॉन्च किया जाएगा इसको, लेकिन ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाए क्योंकि दराज पे लिस्ट हो चुका है। तो आई होप सो के थर्सडे तक ये डिवाइस जो है ना नेक्स्ट वीक के लॉन्च कर दी जाएगी विद 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, एमोलेड डिस्प्ले, G88 का प्रोसेसर। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, पंच होल दे देते अच्छा था, लेकिन मेन चीज प्राइस है। लेट्स सी प्राइस क्या इसकी खुल के सामने आती है। वैसे दोस्तों, अगर आप पहली मरतबा हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आज व्हाट्सएप की तरफ से फिर एक न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप अपना एक फीचर रोल आउट वाला है बहुत जल्द, जिसके थ्रू आप लोग
एट अ टाइम मल्टीपल डिवाइसेस में विदाउट इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर आप मोबाइल फोन को लिंक करते हैं कंप्यूटर के साथ, पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ, और उस पर कंप्यूटर में व्हाट्सएप यूज करते हैं, और बाद में जब आपकी डिवाइस लॉग आउट हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल फोन का जो है ना वो बंद हो जाता है या वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली क्योंकि व्हाट्सएप का ये जो नया फीचर है इसके तहत आपकी डिवाइस अगर हमारे पास कंप्यूटर के साथ लिंक भी है और आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन जो है वो नहीं भी है, फिर भी आपकी जो डिवाइस है वो 15 से 20 दिनों तक जो है ना वो एक्टिव रहेगी, आपका व्हाट्सएप जो है वो आपके पीसी में एक्टिव रहने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, खासतौर पर मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, आपके लिए है या नहीं ये तो आपने मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना है। सो दोस्तों आज की ये टेक न्यूज इतनी थी। आपको पता है हफ्ता वाला दिन होता है कुछ ठंडा सा, इतनी ज्यादा टेक न्यूज होती नहीं है, लेकिन जितनी भी टेक न्यूज मैंने दी आपको कोशिश की अच्छी टेक न्यूज सुन के आप लोगों को मजा आए। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत जल्द नई वीडियो में मिलता है, तब तक लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।